इंडिया नजर न्यूज में आप सभी का स्वागत। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना काल में दो भाइयों ने शराब पीने से टोकने पर हुए विवाद के बाद तीन दोस्तों को धारदार हथियारों से हमला कर डाला, जिनमें से एक की मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हथियारों की तलाश में जुटी है जबकि घायलों को हायर मेडिकल सेंटर भेज गया है। वाक्य है बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव नगला उग्रसेन का, जहां हापुड़ का रहने वाला अमरीश अपने दो दोस्तों के साथ बुलंदशहर के गांव नगला उग्रसेन में अपने रिश्ते के दादा की समाधि पर बैठा था और शराब पी रहा था। पुलिस की माने हैं तो समाधि के पास बैठकर शराब पीने से नगला उग्रसेन गांव के ही रहने वाले हैं। योगेंद्र ने अमरीश को टोका तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और अमरीश और उसके दोस्तों ने योगेंद्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद योगेंद्र अपने भाई जितेंद्र को चाकू और बलकटी लेकर आया और तीनों दोस्तों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें अमरीश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अंकुर और कृष्णा लहूलुहान हो गए, जिन्हें हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वारदात के बाद हत्यारोपी फरार हो गए हैं। पुलिस की माने तो पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हथियारों की तलाश में जुटी है। युवक की हत्या हुई है, दो लोग घायल हैं, क्या वजह है, क्या निकल गया था? ये देखिए, जनपद हापुड़ के तीन लड़के और अपने गांव से दयानतपुर गांव है बाबूगढ़ थाने में, वहां से किसी काम से अपने निजी कुचेसर के लिए आए हुए थे। अपना काम करने के बाद वो नहर के किनारे था, नगला उग्रसेन गांव है ये, जहां से होके जा रहे थे। यही नहर के किनारे दो आम के पेड़, एक समाधि, एक हैंडपम्प है। ये उनमें से जो मृतक लड़का है उसके फूफा का है। उस लड़के द्वारा देखा कि उसके फूफा यहाँ बैठे हुए थे, वहीं उतर गया बुलेट से और तीनों बैठ करके एक साथ सामान लिए थे, नमकीन आदि, शराब पीने लगे। साथ में उनके फूफा भी मौजूद रहे। एक घंटे तक ये लोग शराब पीते रहे, फिर फूफा इनके अपने घर चले गए इनके लिए खाना लाने के लिए। इसी बीच में इसी गाँव का एक लड़का योगेंद्र, जो अपनी भैंस चरा रहा था नहर में, उसने आकर के इनको टोका कि यहाँ समाधि के पास बैठ के शराब क्यों पी रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच में हाथापाई हुई। जो शराब पीने वाले तीनों लड़के थे, उन्होंने शराब की खाली बोतल से उसको चोट पहुँचाई। इसके बाद वो लड़का अपने घर चला गया। घर जा करके अपने बड़े भाई जितेंद्र को लेके आया, इनके पास बलकटी और चाकू थी। इसी बीच उसके फूफा भी खाना लेके आ गए तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में आपस में मारपीट हो रही है। जो लड़के बलकटी और चाकू लेके आए थे, उन्होंने उनमें से एक अमरीश, दूसरा उसका चचेरा भाई अंकुर और तीसरा कृष्ण नाम का एक लड़का उसी गांव का था, इन तीनों को चोट पहुंचाई बलकटी से और चाकू से, जिसमें अमरीश की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों की स्थिति ठीक है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्या कि कोई वजह साफ स्पष्ट नहीं है, बस इतना ही है कि ये तीन बैठ के शराब पी रहे थे और जो भैंस चराने वाला लड़का था वो इनको पहचानता नहीं था। उसने यहाँ बैठ के शराब पीने से मना किया, टोका, क्योंकि बगल में समाधि है। यद्यपि ये समाधि जिसकी है वो इसके जो फूफा हैं उनके पिता की है और इसके फूफा भी इसके पहले बसात में बैठ करके पी रहे थे, फिर खाना लेने गए थे। तो कोई ऐसा मोटिव व कारण नहीं है, कोई आपराधिक के तात्कालिक विवाद और उसी की वजह से परिणत हुई।